फोन भी नहीं उठा रही। या अल्लाह क्या करूं मैं। आंटी इस तरह चुप होने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, परसों उसकी शादी है। मगर बिनेश मुझे तो अब तक ये यकीन ही नहीं आ रहा कि वो घर छोड़कर भी जा सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी दोस्त के घर चली गई हो। मगर आंटी आप ये भी तो सोचे ना कि वो सारा सामान लेके अपनी दोस्त के घर क्यों जाएगी। सारा ये तुमने क्या कर बर्बाद कर दिया सब कुछ। आंटी आप हौसला रखें, रोने के बजाय आप नुमान नौफिल और अंकल को बुलाएं और सब बताएं ताकि वो उसे ढूंढ निकालें। और आंटी आप उसके करीबी दोस्तों को फोन करें, शायद कुछ बता कर गई उन्हें। उसकी तो सिर्फ एक ही दोस्त है निदा, ये इसमें उसका नंबर होगा, ये लो। आंटी आप ही पूछें, मुझे तो वो जानती नहीं है। क्या पूछूं? यही पूछे कि काफी देर हो गई है, गई है आई नहीं, तुम्हें पता है क्या? हेलो हेलो हाँ निदा, वो सारा तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? हाँ हाँ आज उसका मायूं तो है, मगर वो सुबह से किसी को कुछ बताए बगैर घर से निकल गई है। मैंने कहा शायद तुम्हें कुछ पता हो। अच्छा ठीक है। बेनिश वो तो कह रही है कि वो 2-3 महीने से उससे मिली नहीं है और शादी का कार्ड भी बल्कि हम लोग ही देने के लिए गए थे, क्या करें? आंटी अब ऐसा करें अंकल को फ़ोन करें, उनको बुलवाएं, उन्हें कुछ बताइएगा मत वरना परेशान होंगे। मैं नुमान और नौफिल को देखती हूँ।